मेरा नाम मोनू मित्तल है, मेरे मौसा जी हैं, ये रहते हैं MC गुप्ता जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, पिछले 12 साल से यहाँ रहे हैं मौसी और मौसा जी, इनके दोनों बच्चे सेटल्ड हैं अमेरिका में। अभी एक हफ्ता पहले इनके भाई एक्सपायर हो गए थे, तो 3 दिन पहले शामली गए थे, कल तैयारी में थी वहाँ पे, आज सुबह वहाँ से आए, तो आने के बाद इन्हें पता चला कि इनका गेट का इन्होंने देखा कुना खुला हुआ था, मतलब किसी ने चाबी से गेट खोल रखा था मेन गेट, उसके बाद ये अंदर गए, बुजुर्ग आदमी है, घबरा गए थोड़ा सा, उसके बाद देखा इन्होंने अपनी कमरे में थोड़ा अस्त व्यस्त पाया, तो उसके बाद इन्होंने अपनी अलमारी खोली, अलमारी बंद थी, तो चाबी से अलमारी खोली, देखा अंदर से सारी 35 से 40 लाख रुपये की ज्वेलरी इनकी सब गायब थी, 50-60 हज़ार रुपये कैश थे इनके, वे भी गायब थे। उसके बाद हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा, उसके बाद बस हमारे यहाँ नागर साहब आए, नागर साहब ने थोड़ा देखा वगैरह, कह रहे कि अभी आ रहे हैं हम थोड़ी देर में, उसके बाद हमने कई अधिकारियों को फ़ोन मिलाए, कुछ फ़ोन नहीं उठ पाए, उसके बाद हमने अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन मिलाए, उन्होंने फ़ोन उठाए, उसके बाद जब 2 घंटे तक हम काफ़ी परेशान हो गए, उसके बाद हमने यादव जी से बात करी, अभिषेक यादव जी से, उन्हें सारी घटना की हमने जानकारी दी, उन्होंने तुरंत यहाँ पर पूरी फोर्स भेजी है, सारी टीम भेजी है, उनका कहना है फोरेंसिक टीम भी आ गई है, सब जांच कर रहे हैं, जल्द से खुलासा होगा, पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि भी तरीके की घबराने की बात नहीं है, जो भी घटना है उसको खुलासा किया जाएगा। मंडी क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं होती रहती है, शहरी क्षेत्र में होती रहती है, किसकी कमी मानते हो इसमें? कमी तो ये मान के चलिए आप कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन का रोल है ही, लेकिन उसके बावजूद भी है कि बहुत ही पॉश कॉलोनी है, 48 यहाँ फैमिली रहती है, चारों तरफ से गेट बंद है, सब चीज़ बंद है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें देखा जाएगा, जो भी घटना का खुलासा होएगा कोई ना कोई तो अपना ही आदमी आ पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ताले खोले गए हैं, बिना किसी तोड़ फोड़ के नुकसान हुआ है, जहाँ पे सामान रखा था डायरेक्ट वहीं पे पहुँचा गया है, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलने वाले आए। ये थाना नई मंडी के एक जगह पड़ती है, ओम रेजिडेंसी है, सोसाइटी है, यहाँ पर मामचंद गुप्ता जी हैं, जो करीब 4-5 दिनों से घर से बाहर अपने रिलेशन में गए हुए थे, आज सुबह जब ये आए तो देखें उनके मेन डोर खुला हुआ है, अंदर जा कर के देखा तो उनकी आलमीरा को खोल करके कुछ सामान उनके चोरी कर लिए गए हैं, तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। घटना के अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है, सोसाइटी में एंट्री और एग्जिट के जो भी CCTV फुटेज हैं रास्तों पर उनका भी अवलोकन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका अनावरण कर लिया जाएगा। लोगों की टीम भी पहुंची थी यहाँ पे? हाँ, वो टीम आई थी, टीम के द्वारा भी जो है निरीक्षण घटनास्थल किया गया। सर तक कुछ पता लगा कितने की चोरी अभी? अभी इस तरह की कोई इनके द्वारा वो नहीं दी गई है, सूची नहीं दी गई है, सूची प्राप्त हो जाएगी, जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।